म्यूजिक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महक बेहद ही चुलबुली और सुंदर लड़की थी। वो लोगों की अटेंशन की बहुत भूखी थी। वो बस यही चाहती थी कि सब उसके आसपास जितने भी लोग हैं बस उसके बारे में ही बात करें और उससे ही प्यार करें। ऐसे ही एक दिन स्वाति की बड़ी बहन महक अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेकर आती है और घर में अपनी माँ को दिखाकर उसकी माँ उस ड्रेस की बहुत तारीफ करती है, जिसे देखकर स्वाति को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ देर बाद महक के कमरे में जाकर बोलती है, महक दीदी मुझे वो ड्रेस दिखाना जो आप अभी माँ को दिखा रही थी। माँ उसके बारे में कुछ कह रही थी। क्या बोल रही थी? वो कह रही थी कि आपकी ड्रेस बहुत छोटी है, अगर घर में बड़ी बेटी इतने छोटे कपड़े पहनेगी तो हमारी इज्जत का क्या ही हो जाएगा। पर माँ ने मुझे ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि इसीलिए, अगर माँ आपके सामने ऐसे बोलती तो आपको बुरा लग जाता। तो वो ये कह रही थी कि ये सब आपका बॉयफ्रेंड पहनने को बोलता है। क्या माँ ने ऐसा कहा? मुझे तो लगा वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन उनके तो मन में गंध है। मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। तू रख ले ये ड्रेस। महक स्वाति को ड्रेस दे देती है, जिसके बाद स्वाति बहुत खुश होती है और ड्रेस पहनकर पूरे घर में घूमने लगती है, जिसे सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और आए दिन स्वाति घर में या बाहर सब जगह लोगों के बीच आग लगवाती और मजे लेती। कुछ वक्त बाद महक की शादी हो जाती है और कुछ सालों बाद स्वाति की भी शादी हो जाती है एक पुष्कर नाम के लड़के से। शादी के अगले दिन स्वाति अपनी सास कांता और जेठानी पूजा में बहुत प्यार देखती है और खुद से बोलती है, मैं इस घर में नई बहू हूँ और ये लोग मुझसे बात करने की वजह आपस में ही बात कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। लगता है इन लोगों को बताना होगा कि मैं क्या हूँ। अपने सास और जिठानी को ऐसा अलग करूँगी ना कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। स्वाति खुद से बात करते करते अपने कमरे में चली जाती है और दोनों के बीच आग लगवाने की सोचने लगती है। शादी के कुछ हफ्ते बाद स्वाति और पूजा दोनों मिलकर रसोई में खाना बना रही होती हैं कि तभी स्वाति बोलती है, भाभी आपसे एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं पगली, तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है, भला तेरी बातों का भी मैं बुरा मानूंगी? हाँ तभी तो मैं भी आपको सब कुछ साफ साफ बता देना चाहती हूँ। क्या बात है स्वाति? वो मैं कह रही थी कि आप दहेज में कुछ नहीं लेकर आई हो क्या? ऐसा क्यों पूछ रही है? अरे मैं तो अपने साथ इतना सारा दहेज लेकर आई थी कि घर भर गया था। और तो और, तूने जो बाहर कार देखी है ना, वो मेरे मायके से आई है। अच्छा, फिर मैंने माँ जी को आपके बारे में परसों बात करते सुना कि आप कुछ भी नहीं लाई हो, वो झूठ क्यों बोल रही थी? अच्छा माँ जी ने ऐसा कहा, लेकिन आज तक तो मेरे बारे में माँ जी अच्छा ही कहती आई है। भला कोई किसी की बुराई उसके मुँह पर क्यों करेगा? आप भी कैसी बातें कर रही हो, लेकिन ये बात माँ जी को मत बताना, वरना बोलेंगी देखो कल की आई बहू घर में आग लगा रही है। पूजा गुस्से में रसोई से बाहर निकल जाती है और अपनी सास कांता के पास जाकर बोलती है, माँ जी आप मेरे बारे में लोगों से चुगली करती हैं। मैं तो आपको अपनी माँ जैसी समझती थी, लेकिन आपने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। और मैं दहेज में इतना सामान लेकर आई हूँ कि आपका ये घर मेरे सामान से ही भरा है। अरे शांत हो जा, मैंने तो कभी तेरी चुगली की ही नहीं। हाँ हाँ सब पता चल गया है, अब तो आप रहने ही दो, मैं आपको जान गई हूँ, आज के बाद आप मुझसे बात मत करना। पूजा की बात सुनकर कांता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन दोनों को आपस में लड़ता देख स्वाति को बहुत खुशी होती है। अब ऐसे ही आए दिन स्वाति पूजा को कांता के खिलाफ भड़काती रहती और मजे लेती रहती। ऐसे ही एक दिन पूजा घर से बाहर गई होती है कि तभी स्वाति अपने हाथ में चाय लेकर कांता के पास आती है। माँ जी चाय। वैसे माँ जी मुझे आपसे कुछ कहना है। अभी तक पूजा बहू बोलती थी, अब तुझे भी कुछ बोलना है? माँ जी मैं पूजा भाभी की तरह बदतमीज नहीं हूँ जो किसी भी बात में आकर आपको कुछ भी बोल दूँ। पूजा भाभी ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जिसको देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मैं तो इस घर की छोटी बहू हूँ। हाँ बहू, अब से तू ही मेरी प्यारी बहू है, वो तेरी जेठानी प्यार के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। स्वाति कांता से मीठी मीठी बात करके उसका दिल जीत लेती है और अब कांता जहाँ भी जाती बस स्वाति की तारीफ करती, जिसको सुनकर स्वाति बहुत खुश होती। लेकिन वो पूजा को कांता के खिलाफ भड़काना बंद ही नहीं करती। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और स्वाति पूजा
और कांता की नजरों में अच्छी बन जाती। ऐसे ही एक शाम स्वाति अपने पति पुष्कर के पास जाती है। आपको पता है पुष्कर जी, माँ जी को आज मैंने बात करते सुना कि वो सारी जमीन जेठ जी के नाम कर देंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम, माँ ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। वैसे भी माँ हम दोनों भाइयों में कभी फर्क नहीं करती है, जो भी होगा दोनों भाइयों को बराबर मिलेगा। आप देख लेना, अगर आपने माँ जी को कुछ नहीं कहा ना तो हम सड़क पर आ जाएंगे। आप अभी जाकर माँ जी से बात करिए। तुम चुप रहो, अभी वैसे ही माँ और भाभी में लड़ाई चल रही है और मैं उनसे ये बात करने जाऊँगा तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये तो बात करने नहीं जा रहे हैं, अब क्या करूँ, कितने दिनों से घर में आग नहीं लग रही है, क्या करूँ। क्या सोचने लग गई? नहीं नहीं कुछ नहीं। स्वाति इतना बोलकर सो जाती है और अगले दिन उठकर रोज की तरह घर के काम करती है और इधर उधर जाकर लोगों के घरों में आग लगवाती है। ऐसे ही एक दिन कांता की पड़ोसन विमला आती है और कांता को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे कहाँ है कांता, अरे बाहर तो आ जा। विमला बार बार कांता को आवाज लगाती है लेकिन कोई आता ही नहीं। और कुछ देर बाद स्वाति आती है। क्या है, कौन है जो इतनी देर से कांता कांता की रट लगा रखा है, क्या काम है कांता से? अरे मैं तेरी पड़ोस में ही रहती हूँ, तुझे तमीज नहीं है घर में आए लोगों से कैसे बात करनी चाहिए? अच्छा आंटी आप, मुझे लगा कोई भिखारन आई है। अच्छा बोलिए क्या काम है आपको? कुछ काम नहीं है, बस कांता से कुछ बात करनी थी। जब बोल दे अपनी सास को कि विमला आई है। बहुत आग लगा ली घर में, आज बाहर आग लगाती हूँ, तभी तो आग लगाने में ट्विस्ट आएगा। क्या हुआ बहू, अब क्या सोच में डूब गई? जब बोल दे कांता को। कुछ नहीं आंटी जी, मैं सोच रही थी आप वो ही विमला हो ना जो लोगों के घर में जाकर आग लगाने का काम करती हो, आज हमारे घर किसकी चुगली करने आई हो? क्या बकवास कर रही है तू, तुझे ये सब किसने कहा है कि मैं लोगों के घरों में आग लगाती हूँ? अरे नहीं नहीं बोला तो किसी ने नहीं है, वो तो माँ जी के मुँह से मैंने सुना था, सोचा आज आप आई हो तो आपसे पूछ ही लेती हूँ। विमला को कांता पर बहुत गुस्सा आता है और वो कांता के घर में ही बैठकर उसका इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद कांता, पूजा और पुष्कर तीनों घर आते हैं। जैसे ही कांता घर में कदम रखती है वैसे ही विमला उस पर बरस पड़ती है। कांता तू अपनी बहू को मेरे बारे में क्या क्या बोलती रहती है, कि मैं चुगलखोर हूँ, मैं घर में जाकर आग लगाती हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि आज तेरी छोटी बहू घर में थी और उसने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो कभी तेरी सच्चाई को जान ही नहीं पाती। आज के बाद मुझसे बात मत कर लियो। जैसे ही विमला स्वाति का नाम लेती है सब उसकी तरफ घूरने लग जाते हैं और पूजा स्वाति के गाल पर एक थप्पड़ मारती है। घर का भेदी लंका ढाए, तो तुम ही हमारे घर में आग लगा रही थी ताकि तुम्हें ही सारा प्यार मिल सके, तुम कितनी बेकार औरत हो। भाभी ये आग लगाने वाली प्यासी बहू है जिसको हर वक्त बस आग लगाना ही दिखाई देता है। वो तो अच्छा हुआ मैं इसकी बातों में नहीं आया, वरना आज हम लोग आपस में लड़ मरते। हाँ बेटा, अब ये एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहेगी, इसको इसके मायके छोड़ दे, वहीं रहेगी और अपनी माँ के घर में आग लगाएगी। सभी उसको भला बुरा सुनाने लगते हैं, जिससे स्वाति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी भी मांगती है और वादा भी करती है कि वो आगे से किसी के बीच में आग नहीं लगवाएगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।